प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को अपने गृह नगर और विधानसभा में बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 10 वर्षों से अपनी विधानसभा के अलग अलग वार्डों में बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यस्तताओं के कारण वह केवल एक दिन के लिए ही अपनी विधानसभा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 5 अलग अलग स्थान पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहनों के आशीर्वाद के कारण ही वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। एक दिन बाद सोमवार को वह महाकाल की सवारी में वह खुद शामिल होंगे और पहली बार इस सवारी में सीआरपीएफ का बैंड भी अपनी प्रस्तुति देगा। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी पर भी इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। वही मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई। बहनों का आशीर्वाद हम सब पर और हमारी सरकार पर बना रहे। सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी अपने क्षेत्र में परसों से स्वागत है। मैं आदर करता हूँ हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से, आदरणीय बंशीवाल जी। आपके बीच में आपके भाई आपके बीच में रक्षा सूत्र बनाने के लिए आए और बहनों स्नेह से ओत प्रोत कर देने वाला त्योहार हमारी सनातनी परंपरा का माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें शामिल होकर बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को मोहन भैया, ऐसा लगता है बातें में कि हम सब बहनों इससे स्वर्णिम पर क्या होगा। बहनों दोनों हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भाई का अभिनंदन करें। तालियों की तादाद में था हमारे भाई का, मेरे भैया मोहन भैया अभिनंदन करिए। आप सबके लिए उपहार लेकर आए हैं, तालियां बजाना बहनों एक बार और आपके अपने प्यारे मोहन भैया के लिए। बाबा महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश अपने स्वर्णिम किसको के लिए सारा काम करो। एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाए। लेकिन मुझे मालूम है अब आखिर तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो टपकता है आशीर्वाद की छाया के रूप में, ये जीवन भर मिलता रहे इसकी इच्छा आकांक्षा है, इससे मन भर जाता। हमको सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान राम ने कदम बढ़ाया तो दुनिया के अंदर राम राज्य आया। भगवान कृष्ण ने कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण का काल 5000 साल बाद भी बच्चे बच्चे को स्मरण है। हमारी संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष वैसे मैं मनाता था, लेकिन मुख्यमंत्री करके पहली बार आकर के ये जो रघुनंदन गार्डन वार्ड क्रमांक 40 में आज रक्षाबंधन का त्योहार मना, सावन का आखिरी दिन है। मेरी अपनी ओर से बहनों के लिए सबको बहुत बहुत बधाई मंगल कामना। बहनों का आशीर्वाद हम हमारी सरकार पर रहे, हम सब पे रहे। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।